वैदिकों का भजनी नहीं हो सकता, साईं बाबा इत्यादि हमारे भजनी नहीं हो सकते, आपके कुछ भी हो जाए, वो तो आपके बुद्धि से घटिया हुए, आपकी भावना से प्रसिद्ध ईश्वर जो होगा वो आपकी बुद्धि से घटिया हुए बुद्धि, आप जीव यो बुद्धि करता सुता है, जीव से अवस्थान बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही उद्भाषित होगा, वो तो जीव से भी घटिया होगा, ईश्वर क्या होगा। आगे की बात उनको चुभी कि केवल तर्कना शक्ति, गौरी तर्कना शक्ति, युक्ति के बल पर जो ईश्वर की सिद्धि की जाती है, उस ईश्वर के लिए हम भजन का भी भजन नहीं करते। धूम आजकल लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध निषिद्ध है, निषेध लक्षणा करनी पड़ती है, धूम्र का की लक्षणा धूम में करनी, धूम्र तो वर्ण विशेष है, धूम्रपान कहने पर क्लिष्ट प्रयोग है, उसके लक्षणा धूम में करने पर, धूम्रपान निषिद्ध जितने धूम्रपान, धूम्र तो वर्ण विशेष होता है, वर्ण विशेष जिसका है वो है धुआं, आखिर लक्षणा करके पहुंचोगे तो धुएं पर ही। यत योगेश्वर कृष्ण गीता, अब योगेश्वर में योग धन ईश्वर, अब योग की लक्षणा कहाँ करनी पड़ेगी, योगी में, योग के ईश्वर हैं या योगी के ईश्वर हैं, योगियों के जहाँ यहाँ लक्षणा करनी पड़ती है नहीं। यत योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर अर्थ फिर भाष्यकार को क्या करना पड़ता है, पड़ा योग की लक्षणा है योग में नहीं योगी में, ऐसे तो हमने कहा कि धूमे की अखंड धारा, धूम की अखंड धारा पर्वत में है या वन में दृष्टिगोचर है, उसके बल पर जो वहनि का अग्नि का अनुमान होगा, उस अग्नि में अर्थक क्रियाकारिता होगी, व्यवहारक क्षमता होगी, उससे आपको प्रकाश की प्राप्ति होगी, उससे आपको उष्मा की प्राप्ति होगी, क्या अनुमान के बल पर जो सिद्ध पदार्थ होता है उसकी अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होती। फिर से सुनिए, केवल अनुमान के बल पर जिस पदार्थ को सिद्ध करते हैं व्यवहारक्षम नहीं होता, उसकी अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होती, अनुमिति के द्वारा, अनुमान के द्वारा जो अनुमित ईश्वर है, अनुमान के द्वारा जो अनुमित ईश्वर है, अनुमेय कोटि का जो ईश्वर है अनुमान के द्वारा सिद्ध है, वो तो क्या करेगा, अर्थक क्रियाकारिता उसकी होगी नहीं, जगत का उत्पादन पालन संहरण निग्रह अनुग्रह पंचकृत्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए एक बहुत दिव्य संदेश पूज्य गुरुदेव देते थे, उपदेश हमको बताते थे, श्री रामानुजाचार्य महाभाग भक्त प्रगट, भक्त प्रगट, श्री रंग जी की उपासना बहुत बढ़िया, ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने ईश्वर की भिज्जी उड़ा दी, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की सिद्धि करनी थी या भिज्जी उड़ानी थी, लेकिन श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है ईश्वर की भिज्जी उड़ा दी। कुछ गुरुदेव ने उसका रहस्य बताया, ईश्वर के परम भक्त होकर ईश्वर की भिज्जी क्यों उड़ा दी। एक बार एक वकील थे, दो वकील साहब कुछ मस्ती में थे, समझ गए, जिसके वकालत कर रहे थे उसकी बात भूल गए कि वकालत किसके कर रहे, सामने वाला वकील जो था मुस्कुरा रहा था, विपक्ष की पैरवी करते गए युक्तियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, अब बेचारा जूनियर वकील की क्या कर रहे, रुपया इनसे लेना है जिनसे लेना है उनका पक्ष न प्रस्तुत करके, और सामने वाला मस्त मौला जो प्रतिद्वंदी वकील था खूब खुश रहा है, जज भी समझ रहा है इस जज का हो क्या गया, इस वकील को हो क्या गया, साहब साहब सर सर आप वकील ये है वो किसकी उका, आखिर भाई साहब आप, सामने वाले वकील से कहा, आखिर भाई साहब आप जिसकी पैरवी करने आए हो आप इससे ज्यादा क्या कह सकते हो जो मैंने कहा, अब सुनो इसका उत्तर तो पाता पलट गया अब जब भी हंस पड़ा कि वाह ठीक, वकील भी समझ गया कि जूनियर ना होता तो हमारे ही काम बना देता हमारे पूज्य गुरुदेव के भी शास्त्रार्थ की शैली ऐसी थी, वो केवल तर्कना शक्ति के बल पर सिद्ध ईश्वर व्यवहारक्षम नहीं होगा, अर्थक क्रियाकारी नहीं, व्यावहारिक धरा तक उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए रामानुजाचार्य ने अगर तुम कोरी युक्ति के बल पर ईश्वर को सिद्ध करते हो
तो प्रबल युक्ति के बल पर उस ईश्वर की दिति उड़ाई जा सकती है, उसकी विधा यह है। हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? क्योंकि वेदादि शास्त्रों ने ईश्वर को सिद्ध किया है। शास्त्र योनित्वा भगवान के विश्वास कल्प जहाँ वेद हैं, वहाँ वेदों के माध्यम से ही हमको ब्रह्म और धर्म का ज्ञान हो सकता है। वेद बाह्य जो धर्म होता है वो धर्माभास होता है। वेद बाह्य जो ईश्वर की मान्यता है सूक्त संहिता के अनुसार वो क्या होता है? ईश्वराभास, ईश्वर नहीं हो सकता। तो मैंने जो प्रश्न उठाया था, समय बहुत हो गया, चला तो था प्रयाग की बात करने, पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचाया।